Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 1, that is resource and development. And we are discussing the topic classification of resources. In the previous lecture, we discussed regarding the classification of resources on the basis of ownership. Today, we will continue this topic and we will discuss classification on the basis of level of development. जो डेवलपमेंट की कौन सी सतह है, उसकी कौन सी लेवल है, उसको उसको बुनियाद रखकर हम रिसोर्स क्लास पे करेंगे आज. फाइन, तो किस तरकी का कौन सा मियार है रिसोर्स का, उस बुनियाद पर हम रिसोर्स को क्लास पे करते हैं इंटू फोर टाइप्स. नंबर वन इज पोटेंशियल रिसोर्स, नंबर टू इज डेवलप्ड रिसोर्स, नंबर थ्री इज स्टॉक एंड नंबर फोर इज रिजर्व. हम कह सकते हैं कि ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं एज पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. अब हम एक ही करेंगे डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो किसी इलाके में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन सर्टेन रीजन बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड. फाउंड इन सर्टेन रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड. और इन रिसोर्स को हम अभी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. तो ये इसकी जो एग्जांपल मैं दूंगा, एग्जांपल से समझ में आएगा. इसकी जो एग्जांपल है, जो हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, इंडिया के जो वेस्ट, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो मगरबी साहिल है, इस मगरबी साहिल पर हमारे पास दो स्टेट्स हैं. वन इज गुजरात एंड नंबर टू इज राजस्थान. जो गुजरात और राजस्थान है, गुजरात एंड राजस्थान, ये जो दो स्टेट्स हैं, वहां पर फैसिलिटी है हमारे पास, हम वहां पर रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं. वन इज विंड एनर्जी एंड नंबर सेकंड इज सोलर एनर्जी. लेकिन हम इन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. फाइन, उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हम इन इस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं. कहने का मकसद किसी इलाके में हमारे पास वसायल होते हैं लेकिन हम अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते. जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात और राजस्थान, वहां पर हमारे पास विंड एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं या सोलर एनर्जी हम हार्नेस कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर पाते हैं. हम कहते हैं कि इस तरीके का रिसोर्स इट इज ए पोटेंशियल रिसोर्स. फाइन, नाउ नंबर टू इज डेवलप्ड रिसोर्स. हमारे पास वो वसाइल होते हैं, वो रिसोर्स होते हैं जो डेवलप्ड है. कहने का मकसद है जो ये जो रिसोर्स है, इनकी हमने इनको सर्वे किया होता है, हमें पता होता है सर्वे करके इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी तादाद क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें क्या खसूसियात है. सो सर्वे करने के बाद हमें ये जो डेवलप्ड रिसोर्स होता है, इसके सर्वे करने के बाद हमें पता है इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है क्या है, फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं. अब इस्तेमाल किस नवीयत का होगा, वो डिपेंड करता है हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है नंबर वन, और इकोनॉमिकली ये कितना फिजिबल है, इकोनॉमिकली ये कितना इसकी फिजिबिलिटी कैसी है. फाइन, इन दो चीजों पर अब इनिसार होता है कि हम डेवलप्ड रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं, किस हद तक इस्तेमाल कर पाते हैं. वो डिपेंड करता है हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है और हम इसकी फिजिबिलिटी कितनी है. फाइन, सो इस रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज डेवलप्ड रिसोर्स. सो पहले हमने समझा पोटेंशियल रिसोर्स एंड नंबर सेकंड इज डेवलप्ड रिसोर्स. इसके बाद जो थर्ड वन है, दैट इज ए स्टॉक. अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो रिसोर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसकी खास वजह होती है. हम इनको यूटिलाइज, दीज रिसोर्स आर दो रिसोर्सेज विच वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. यहां पर क्या होता है इन रिसोर्स का, यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है. फाइन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, वी लैक टेक्नोलॉजी. फाइन, इसकी जो एग्जाम्पल हम देते हैं,
जैसे हमारे पास अब सबको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसकी जो फॉर्मूला होती है दैट्स H2O, फाइन। हम थ्योरेटिकली एक काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टेक्निकल नो हाउ, वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, हमें पता ही नहीं है हम इसको कैसे किस तरह से अलग कर सकते हैं ताकि हम ये जो यहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता, हमें हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसमें बहुत सारा एनर्जी है, फाइन। लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टेक्निकल नो हाउ, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे बहुत सारे जो मसाइल है हमारे दुनिया में इनको हम हल कर पाते, अगर हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आराम से अलग कर पाते फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो हमारे पास जो एनर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाते। अगर इस वजह से हम इस तरह के रिसोर्स को कहते हैं इट इज ए स्टॉप, इट इज ए स्टॉप। सो पहला ने समझा पोटेंशियल, नंबर सेकंड इज डेवलपर, नंबर थर्ड इज स्टॉक, नंबर फोर इज रिजर्व। अब जो रिजर्व होता है हम इसे कहते हैं इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक का ही एक किस्म है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? रिजर्व हम उस वसाइल को कहते हैं, उस रिसोर्स को कहते हैं जिसका हमें टेक्निकल नो हाउ तो होता है। यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, वी हैव टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, हमें टेक्नोलॉजी का तो पता होता है, मगर हम इसके बावजूद हम यूटिलाइज, वी डोंट यूटिलाइज, वी डू नॉट यूटिलाइज द रिसोर्स, हम इसको महफूज रखते हैं, हम इसको मौजूद रखते हैं ताकि हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाए, फाइन। मिसाल समझाऊंगा मैं, जैसे हमारे पास वाटर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वाटर है इन द फॉर्म ऑफ डैम्स इन फॉरेस्ट्स, वी हैव वाटर, वी डोंट मेक यूज ऑफ दैट वाटर, अदरवाइज वी हैव टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज दैट वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास पन बिजली होती है हम उससे उसको क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, जानबूझ कर नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इसको मुस्तकबिल में इस्तेमाल करेंगे, फाइन। और इससे हम कहते हैं इट इज अ रिजर्व फॉर अस। सो ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हमने किस तरह से रिसोर्स को डेवलप किया हुआ, इन बुनियादों पर हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू फोर टाइप्स, वन इज पोटेंशियल, नंबर सेकंड इज डेवलपर्ड, नंबर थ्री इज स्टॉक एंड नंबर फोर इज रिजर्व। अब हम इनको समझेंगे विद हेल्प ऑफ टेबल, अगर कोई कंफ्यूज होगा वो आपका दूर हो जाएगा। सो यहां पर मैं एक टेबल बनाऊंगा, इस टेबल से हम समझेंगे तीन क्राइटेरिया मैं यहां पर सेट करूंगा, फाइन। यहां पर हमारे पास जो पहला, जो हमारे पास फोर टाइप्स रिसोर्सेस हैं, यहां पर पहला मैं लूंगा पोटेंशियल रिसोर्स, नंबर सेकंड इज डेवलपर, नंबर थर्ड इज स्टॉक एंड नंबर फोर इज रिजर्व। पहले मैं देखूंगा कि यहां पर टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नंबर सेकंड विलिंगनेस टू यूज, क्या हम इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, विलिंगनेस टू यूज। एंड नंबर थर्ड इज आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, हम इसको यूटिलाइज करते हैं नहीं, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट। तीन चीजों पर, नंबर वन मैंने कहा इन चीजों पर हम अब फर्क करेंगे रिसोर्सेज का जो हमारे पास ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। देखो जी, पहला जो पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स में ये होता है कि यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, फाइन। यहां पर फर्स्ट टेक्नोलॉजी पोटेंशियल रिसोर्स, यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है और हम चाहते भी हैं हम इसको इस्तेमाल में लाए, फाइन। जैसे मैंने यहां पर सोलर एनर्जी का एग्जांपल दी, मैंने विंड एनर्जी एग्जांपल दी, लेकिन हम इनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, फाइन। इसके इकोनॉमिक रीजंस होंगे या कोई और वजूहत होंगे, फाइन। तो यहां पर मैंने इसका टिक आया, इसका टिक और इसका क्रॉस, फाइन। टेक्नोलॉजी है, हम चाहते भी इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, नंबर ये मैंने इसका एक बताया। इसके बाद हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्स, यहां पर इस केस में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होती है, हमारे पास चाहत भी होती है हम इस्तेमाल इसको करें और हम इसको यूटिलाइज करते भी हैं, इट इज अ डेवलप्ड रिसोर्स, फाइन। अब हमारे पास थर्ड है दैट इज स्टॉक।
अब स्टॉक का ये मामला है, यहां पर मैंने आपको कहा कि यहां पर रिलेव टेक्नोलॉजी, तो यहां पर क्रॉस आएगा। विलिंगनेस टू यूज, हाँ हम इसको चाहते हैं हम इसको इस्तेमाल करें, यहां पर भी टिक आएगा। क्या हम इसको यूटिलाइज कर पाते? नहीं, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर, जैसे वाटर के एग्जाम्पल यहां पर दी H2O, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। फाइन, अब हमारे पास रिजर्व रह गया। इस केस में क्या होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है और नंबर सेकंड विलिंगनेस टू यूज, क्या हम चाहते हैं हम इसका इस्तेमाल करें? हाँ, लेकिन विलिंगनेस हम चाहते हैं इसका इस्तेमाल करें मुस्तकबिल में, इस वक्त हम इसको नहीं चाहते हम इस्तेमाल करें, तो यहां पर क्रॉस रखेंगे। फाइन, यूटिलाइज कब करेंगे? हम कहते हैं हम इसको इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। सो इस तरीके को हम समझ सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से क्लास से करेंगे। हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स होगा, डेवलपर होगा, स्टॉक होगा, या हमारे पास रिजर्व होगा। फाइन, सो आज हमने इन चीजों को क्लासिफाई किया, रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मैंने कहा पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपर, स्टॉक एंड रिजर्व, फिर मैंने आपको इस टेबल से समझाया। इस लेक्चर का लुभी लुभाव क्या है? इसका लुभी लुभाव ये है, इससे हम ये समझ सकते हैं जो हमारे पास वसाइल होते हैं हम इनको कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, कंजप्शन हम वसाइल कितना कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। फाइन, ये डिपेंड करता है हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है नंबर वन, और हमारे पास इकोनॉमिकली हम कितना इनको एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटी होंगे। अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इट मीन्स जो हमारे पास रिसोर्स है वो हम क्या करेंगे, वो हम ओवर यूटिलाइज करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। फाइन, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है, अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है तो हम रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर रिसोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम रिसोर्स को एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं, और इससे हम देखते हैं कि हम कंजप्शन, बाज अवकात जो कंजप्शन है इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। बाज अवकात हम देखते हैं कि रिसोर्स की ओवर प्रोडक्शन हो जाते हैं, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसकी फिर ओवर कंजप्शन हो जाती है, ओवर कंजप्शन। फाइन, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अब रिसोर्सेज है उनकी कंजप्शन डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पर। और जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटी होंगे, तो जब बेटर मेडिकल फैसिलिटी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उनकी मोर्टिलिटी रेट कम होगी, लोग कम मरेंगे, और पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा बंदों को फीड करना है, जब उसके लिए हमें चाहिए कि वी नीड ओवर प्रोडक्शन, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो इट लीड्स टू ओवर कंजप्शन। इस तरह से हमारे रिसोर्स पर ज्यादा असर पड़ता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो आज हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट।